विश्व जनसंख्या दिवस वह दिन है जब विश्व जनसंख्या वृद्धि और इसके विकास एवं स्थिरता पर प्रभाव के जटिल मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम किया जाता है। इसी कड़ी में 11 जुलाई को ग्वालियर में भी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। ग्वालियर कलेक्टर रुचिकांत सिंह चौहान के मार्गदर्शन में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत आगामी एक माह तक जनसंख्या स्थिरता माह का आयोजन किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेम शंकर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनसंख्या स्थिरता माह की जानकारी देने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी प्रकार 10 जुलाई को ब्लॉक स्तर पर रैली भी निकाली जाएगी। देखिए, मैं जिले ग्वालियर जिले में जिला परिवार कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हेम शंकर शर्मा है। ग्वालियर जिले में विश्व नसबंदी जो पखवाड़ा है ना, जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा, वो हम मनाने जा रहे हैं। ये जो मंथ है, ये 11 जुलाई से 11 अगस्त तक, इसमें हम सर्विस डिलीवरी का जो हुई विभिन्न परिवार कल्याण की सेवाएं हैं वो हम आम नागरिकों को उपलब्ध करें। इसमें हम लोग महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी और अस्थाई साधनों में हम लोग IUCD, PPIUCD, छाया, अंतरा, कुंडों और ये हम सुविधाएँ मालाएँ ये हम उपलब्ध कराएंगे। मैं यही देना चाहूँगा कि जो छोटा परिवार, सुखी परिवार, और इस बार जो हमारा जो परिवार नियोजन का जो परिवार का जो हमारा जो थीम है वो ये है कि सुखी दंपत्ति जो रहेंगे। इस बार का जो हमारा जो रखा है जनसंख्या का, विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान। थैंक यू। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।